हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश शिवकर पुनः स्वागत है। इस वीडियो में IVS का न्यू यूनिट शुरू करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था, 2 कंप्लीट हो गया था, 5 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम यूनिट 3 कंप्लीट कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट्स चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और उस PDF में चलते हैं। फाइनली इस PDF में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 3 रहेगा इंटरप्रीनरशिप का, और पहला पॉइंट व्यवसाय योजना का विकास करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, शॉर्ट में ही रहेगा, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो जल्दी से देखते नहीं हो, पूरा देखना है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा देखिए, इसलिए हम इतना आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो पूरा देखना है और इसको लिख लेना है, वीडियो से ही लिख लीजिए, ठीक है। PDF वगैरह के ज़्यादा परेशान नहीं हो, या स्टोरेज आपका भर जाएगा अगर हम भेज देंगे तो, और डाउनलोड कीजिएगा तो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का PDF है। तो देखिए सुन से व्यवसाय योजना का विकास करना, तो कोई भी व्यवसाय जैसे कि होता है तो उसका योजना तो बना कर ही करते हैं ना। जैसे कि हम लोग अगर कोई दुकान खोल रहे हैं किसी चीज़ का, तो सबसे पहले योजना बनाते हैं हम लोग कि क्या कुछ होगा, कोई ग्राहक आएगा तो कहाँ बैठने दिया जाएगा, फिर कोई सामान के लिए क्या नियम होंगे, क्या प्रावधान होंगे, तो उसका विकास करना है, ठीक है। तो कैसे विकास करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप और कुछ जान सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय योजना बिजनेस प्लान औपचारिक रूप से लिखा गया वह दस्तावेज है जिसमें व्यवसाय के लक्ष्य लिखे हों। जैसा कि अभी बताया फ्रेंड्स, क्या व्यवसाय का लक्ष्य होना चाहिए। कोई कहता है कि ग्राहकों की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है, और कोई कहता है कि थोड़ा बहुत पैसा थोड़ा बढ़ा के भी लेंगे। तो मतलब कि जो उसका लक्ष्य होगा वो आप वो अपना योजना में बनाएगा, ठीक है, उन्हें प्राप्त करना संभव है। व्यवसाय के लक्ष्य लिखे हों जो प्राप्त करना संभव है, ऐसा नहीं कि आप प्राप्त कर नहीं पाए, ठीक है। इसकी व्याख्या हो तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना लिखी हो, यानी कि उन जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य उसकी प्राप्ति के योजना के बारे में लिखा हो कि कब प्राप्त होगा, इस टाइप का, ठीक है। व्यवसाय योजना में संस्था के बारे में जानकारी आदि भी दिया जा सकता है। जो व्यवसाय योजना बनेगा उसमें जो है संस्था के बारे में जानकारी दिया जा सकता है कि क्या दुकान का नाम रहेगा, क्या व्यवसाय रहेगा, ठीक है, वो सारा कुछ। व्यवसाय की योजनाएं अक्सर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। जो व्यवसाय की योजनाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो पता चला मतलब कि 50 तरह का दुकान एक ही दुकान में, मतलब 50 तरह के दुकानों का सामान एक ही दुकान में, तो ग्राहक आएगा तो उसको किसी को भी पूरा सामान नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई आप अगर पुस्तक भी बेच रहे हैं तो सारा पुस्तक तो रख नहीं पाएंगे, और अगर पुस्तक सारा रखते हैं तो सारा पुस्तक वाला ग्राहक आएंगे उस टाइम आपको। अगर इधर खिचड़ी परोस वाला दुकान है, मतलब कि दाल आटा चीनी वाला, तो उधर आप दीजिएगा कि इधर दीजिएगा, मान लीजिए आदमी भी रख लें, ठीक है, तो उतना लंबा चौड़ा आपका दुकान भी तो होना चाहिए, एक दुकान में उतना सारा चीज़ नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगा, आपको एक ही कैटेगरी का दुकान रखना है, तो यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। आप संभावित निवेशकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें संरचना और आश्वासन प्रदान करते हैं, जो उन्हें यह तय करने की आवश्यकता होती है कि क्या निवेश करना है और आपकी कंपनी की मदद करना है। उद्यमियों के लिए एक व्यवसाय योजना होना महत्वपूर्ण है। जो जितने भी उद्यमी हैं उनके लिए एक व्यवसाय योजना होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। कनेक्शन बाजारों और उपभोक्ताओं के विकास के माध्यम से मूल्य उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक तकनीकों के विकास को व्यवसाय विकास कहा जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि कनेक्शन बाजारों और उपभोक्ताओं के विकास के माध्यम से मूल्य उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक तकनीकों के विकास को व्यवसाय विकास कहा जाता है। ये आपका परिभाषा एक टाइप का हो गया, ठीक है, व्यवसाय विकास के बारे में आप लिख सकते हैं परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक व्यवसाय विकास विशेषज्ञ, जिसे अक्सर व्यवसाय डेवलपर के रूप में जाना जाता है। जो व्यवसाय विकास विशेषज्ञ होता है उसको व्यवसाय डेवलपर के रूप में जाना जाता है, बिजनेस डेवलपर, ठीक है। वह विशेषज्ञ होता है जो व्यवसायों को उनकी गतिविधियों और राजस्व को बढ़ाने में मदद करता है। वो जो होता है वो जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, राजस्व होती हैं, वो सारा बढ़ाने का काम करता है। वे या तो फर्म के लिए एक पारंपरिक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, या सिर्फ स्वतंत्र सलाहकार के रूप में अनुबंध पर काम करते हैं। या तो वो पैसा लेकर काम करते हैं या फिर कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि बिना पैसा का कोई काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये व्यवसाय डेवलपर्स की दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ और उनकी रणनीति क्षेत्र के आधार पर बदल सकती है, लेकिन व्यापक उद्देश्य वही रहता है।
होता है कि उसमें कुछ सलाहकार आ जाते हैं, ठीक है, पैसा से ले लिया जाता है, कहता है कि आप विकास योजना तैयार कीजिए, डेवलप करने का काम कीजिए, ठीक है, तो उसको कुछ पैसा देकर लाता है अश्वंस, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है विकास, तो इसका इतना ही अश्वंस। इससे आगे आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मूल बातें थी वो हम लिख दिए हैं इसमें, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप पूरा देख पाएँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अश्वंस, व्यावसायिक विचार की पहचान। व्यावसायिक विचार कौन सा है? व्यावसायिक विचार सबसे पहले अपने मन में सोचिए कि व्यावसायिक मतलब क्या हुआ, व्यवसाय बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। और विचार, विचार यानी कि थॉट हो गया अश्वंस, इसका पता कैसे करेंगे कि व्यावसायिक रिलेटेड पहचान विचार है सो, तो उससे संबंधित अगर बात करेंगे व्यवसाय से रिलेटेड, तो वह व्यावसायिक संबंधित विचार हो गया। फिर भी इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार एक विचार का अर्थ है जो एक प्रतिनिधित्व के रूप में मन में मौजूद है, कुछ समझ में आता है, यानी कि कुछ कुछ भी समझ में आता है, जैसे कि अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी समझ में आता, तो आपका हो गया व्यावसायिक विचार, ठीक है। या एक सूत्रीकरण, एक योजना के रूप में, ठीक है। एक विचार अनुभूति की सामग्री है या मुख्य चीज़ जिसके बारे में कोई सोच रहा है या करने का इरादा रखता है। एक विचार एक मानसिक छवि या किसी चीज़ को देखने या ज्ञात या कल्पना करने, शुद्ध अमूर्तता या किसी व्यक्ति के दिमाग में मौजूद किसी चीज़ के निर्माण पर लागू हो सकता है। ये तो पूरा आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि जितने भी पॉइंट हैं सारे आसान ही हैं, एक्चुअल में कोई उतना टफ टाइप का है नहीं, ठीक है। तो हम इस तरह से समझा देते हैं स्टूडेंट्स, जो भी मन में आता है अपने व्यवसाय से रिलेटेड उसको व्यवसायिक विचार कहते हैं, ठीक है, तो उसको पहचान ही सकते हैं हम लोग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शूमपीटर ने एक उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसके पास एक नए विचार या आविष्कार को एक सफल नवाचार में बदलने की इच्छा और क्षमता है। वे विचार जो निवेशक ग्राहक के लिए मूल्य रखते हैं और व्यवसाय के लिए राजस्व मॉडल उत्पन्न करने में सक्षम है, व्यवसायिक विचार है। इसको भी आपको देख लेना, ठीक है। क्या इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एक तो है, ठीक है, जोसेफ शूमपीटर उनका नाम है, एक उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा उन्होंने जिसके पास एक नए विचार या आविष्कार को एक सफल नवाचार में बदलने की इच्छा और क्षमता है। तो वे एक आदमी को देखते हैं जो आविष्कार करने लायक है, मतलब कि नवाचार, सफल नवाचार में बदलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो वे विचार जो निवेशक ग्राहक के लिए मूल्य रखते हैं और व्यवसाय के लिए राजस्व मॉडल उत्पन्न करने में सक्षम है, व्यवसायिक विचार है, ठीक है। जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के प्रति जो भी विचार आता है मन में वो व्यवसायिक विचार है। अब इसमें देखिए कुछ विशेषताएं इसकी हैं, ग्राहक की जरूरत को पूरा करता है, एक समस्या हल हो जाती है, ठीक है। किसी के मन में आता है ना, ग्राहक जितने भी आएंगे बढ़िया से उसका ये करना है, तो बढ़िया से सर्विस करना है, तो वही हुआ संस, ठीक है। फोकस साफ करें, यानी कि अपना जो भी, इसका थोड़ा अलग लैंग्वेज में टाइप का लग रहा है संस, ठीक है, तो अपने लक्ष्य साफ करें, इस तरह से मतलब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, मतलब जिस चीज़ का दुकान हो, व्यवसाय हो, उसका पूरा एकदम सफा रहना चाहिए मन में कि ये हमको करना, ठीक है। अभिनव, अभिनव के बारे में रेशन, ठीक है, अनोखा, अनोखा टाइप का होना चाहिए, थोड़ा टिकाऊ भी होना चाहिए, थोड़ा फिर लंबी अवधि में लाभदायक, मतलब कि लंबे समय में बहुत लाभदायक होना चाहिए, ठीक है। नए उत्पादों और या सेवाओं का विकास आमतौर पर ग्राहक की संतुष्टि में सुधार पर केंद्रित होता है। एक व्यावसायिक विचार के सफल कार्यान्वयन से अंततः लागत कम हो जाती है, जबकि उत्पाद की कम कीमतों के संदर्भ में उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलता है, तो लाभ भी मिलना चाहिए कुछ कुछ। अगला चरण व्यवसाय योजना के तत्व, ठीक है। तो व्यवसाय योजना जो हम लोग मतलब जो बनाया जाता है व्यवसाय के लिए योजना, ठीक है, तो उसका क्या क्या तत्व होंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें लिखना है। कार्यकारी सारांश लिखना है कि कौन सा कार्य, मतलब कार्यकारी सारांश आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो काम होता है उसके बारे में सारांश में लिखना है। व्यवसाय का वर्णन, व्यवसाय जो है उसके बारे में वर्णन करना। उत्पाद और सेवाएं, किस प्रकार से उत्पादन होगा और किस प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाएंगी इसके बारे में, ठीक है। बिक्री और विपणन, यानी कि बिक्री बेचने के बारे में और व्यवसाय करने के बारे में, ठीक है, मतलब लेके जाकर उसको बाजार में बेचना, ठीक है। संचालन, इसका संचालन किस प्रकार होगा सारा कुछ, ठीक है। कार्यकारी सारांश में देखिए क्या लिखा हुआ, वह यह व्यवसाय योजना का विवरण देने वाला एक या दो पृष्ठ का सारांश है, अक्सर यह लिखना आसान होता है। कार्यकारी सारांश व्यवसाय योजना के भीतर सभी विवरण प्रस्तुत करने के बाद, ठीक है, ये लिखना होता है। व्यवसाय का वर्णन करना, इसमें जो है सो व्यवसाय के विवरण में सेवा प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना और परिभाषित करना चाहिए। उद्योग में ट्रैक रिकॉर्ड, साथ ही किसी भी प्रासंगिक वर्तमान घटनाओं, साथ ही व्यक्तिगत लक्ष्यों, तत्व जो व्यावसायिक सफलता और स्वामित्व को जोड़ते हैं, यह मूल रूप से आपकी व्यवसाय योजना की रीढ़ है, जो आपको बाकी योजना में शामिल जानकारी के लिए जमीन। तो उत्पाद और सेवाएं,
आपका हो गया यहाँ शून्य से व्यावसायिक सफलता और स्वामित्व को जोड़ते हैं, यह मूल रूप से आपकी व्यवसाय योजना की रीढ़ है जो आपको बाकी योजना में शामिल जानकारी के लिए जमीन तैयार करने की अनुमति देते हैं। जो व्यवसाय का वर्णन है वही जो है सो मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ है उत्पाद और सेवाओं के बारे में, जैसे कि एक उद्यमी के रूप में आपके पास एक उत्पाद या सेवा है जो आप एक संभावित ग्राहक को दे रहे हैं। आपको यह वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं, साथ ही यह निर्धारित करें कि आपका उत्पाद या सेवा अद्वितीय क्या है, मतलब क्या कुछ अलग है सबके सबसे, ठीक है। बिक्री और विपणन यानी कि बेचना बेचने के बारे में, इस खंड में आपको अपने खंड या उद्योग बाजार की स्थिति, सामान्य लागतों के अलावा जिस तरह से कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है, साथ ही प्रतियोगिता से खुद को अलग करने का अवसर भी लेना चाहिए। यदि आपके पास एक वेबसाइट है तो अपने उत्पाद के नमूने या प्रदर्शन की पेशकश करने पर विचार करें। अपने उत्पादों को दिखाने के लिए छवियों या तस्वीरों का उपयोग करें। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में सूचित करें, साथ ही उत्पाद वितरण के तरीके आदि, ठीक है। तो ये जो है से आप बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार से बेचना है उसके प्रति, ठीक है। संचालन हो गया सब, देखिए व्यवसाय योजना के इस बिंदु का उद्देश्य आपके व्यवसाय के अधिक प्रशासनिक पक्ष को परिभाषित करने में मदद करना है, जिसमें यह संचालित होता है जहाँ कार्यालय स्थित है, व्यक्तिगत सहायक या जहाँ उपयुक्त काम टीम ओवरहेड आदि होते हैं, ठीक है। यह संचालन किस प्रकार से होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो ही गया। अब बचा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण और इधर 3 ठो, ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट कर देना। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण, प्रतिस्पर्धा मतलब किसी से, जैसे कि पिछला बार कुछ फायदा हुआ तो उससे भी ज़्यादा लाभ कमाने का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उन कारकों को संदर्भित करता है जो किसी कंपनी को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर या सस्ते में माल या सेवाओं का उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। ये कारक उत्पादक इकाई को अपने बाजार प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक बिक्री या बेहतर मार्जिन उत्पन्न करने की अनुमति देता है। जैसे कि आप अपने ग्राहकों को किस प्रकार से सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। कभी मतलब किसी से अगर आप कम ही दाम में बेच रहे हैं या फिर सस्ते में बेच रहे हैं, और मतलब सस्ते में खरीद रहे हैं, और थोड़ा जितना आप सुविधा करवाएंगे ग्राहकों को उतना ही आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होने की संभावना है, ठीक है। व्यापार में एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एक विशेषता है जो एक संगठन को अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, जो दूसरों से अधिक आगे बढ़ने का मौका देता है, ठीक है। एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में प्राकृतिक संसाधनों तक तो पहुंच शामिल हो सकती है, जैसे उच्च ग्रेड अयस्क का कम लागत वाली बिजली स्रोत, अत्यधिक कुशल श्रम, भौगोलिक स्थिति, उच्च प्रवेश बाधाएँ और नई तकनीक तक पहुँच और मालिकाना जानकारी तक पहुँच, ये सारा कुछ आपका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में और भी अपने से कुछ कुछ लिख लेना है, ठीक है। हम समझा दिए इसको उसी प्रकार से। व्यवहार्यता विश्लेषण करना, व्यवहार्यता मतलब क्या होता है, व्यवहार व्यवहार का विश्लेषण करना मतलब अध्ययन करना, ठीक है, किसी भी व्यवहार का अध्ययन करना। तो ये व्यवहार्यता आप समझ रहे होंगे, ठीक है। किसी भी अगर शॉप या फिर कोई भी व्यवसाय है तो उसमें थोड़ा बहुत व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। एक व्यवहार्यता अध्ययन एक ऐसा विश्लेषण है जो किसी परियोजना के प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है, जिसमें सेटलिंग, कानूनी, तकनीकी और आर्थिक विचार शामिल हैं, जिससे पूरी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की संभावना है। तो फ्रेंड्स व्यवहार्यता का मतलब यहाँ ये है कि आपका कितना कुछ शेड्यूल रहता है, ठीक है, किस प्रकार से काम वगैरह होता है आपका यहाँ व्यवसाय में उसके बारे में। आमतौर पर परियोजना प्रबंधक इस अध्ययन का उपयोग किसी परियोजना को शुरू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए करते हैं। निवेश इसमें पैसा और समय, ठीक है। व्यवहार्यता अध्ययन के साथ एक कंपनी के प्रबंधन दल को आवश्यक जानकारी भी मिल सकती है जो कंपनी को नेत्रहीन रूप से जोखिम भरे तरीकों, मतलब कि होता है कि एक व्यवहार्यता इसके मतलब कि पूरा विश्लेषण करता है कि क्या कुछ चल रहा है। जैसे हम लोग आजकल के ज़माना में नहीं लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा वगैरह, कि क्या कुछ चल रहा है उसका विश्लेषण करना, कि किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, ठीक है, सारा कुछ के बारे में। 2 पॉइंट 3 पॉइंट बचाव, ठीक है। तो देखते हैं छोटे छोटे पॉइंट को भी। अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए रणनीति और योजना बनाना। अपना लघु व्यवसाय अगर आपका है तो उसके लिए भी कोई योजना बनाना पड़ेगा ना। छोटे व्यवसाय के विकास के लिए केंद्रीय रणनीति महत्वपूर्ण है। नए व्यवसायों और छोटे व्यवसायों के लिए ट्रैक से हट जाना या एक नई दिशा में लुभाना अविश्वसनीय रूप से आसान है। हालांकि यदि आपका व्यवसाय सभी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता है तो यह अंत में किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब हर चीज़ के लिए मतलब कि एक ही दुकान में मतलब हर तरह का सामान मिलेगा स्टूडेंट, तो मतलब कि सारे ग्राहकों को पूरा सामान नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं उस दुकान या भी व्यवसाय खत्म हो जाएगा। व्यवसाय एक ही चीज़ का होना चाहिए और उसी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक परिष्कृत रणनीति, जिसे आप लगातार निर्णय लेने के लिए एक कंपास के रूप में संदर्भित करते हैं और उपयोग करते हैं, आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगा, ठीक है। तो वही जो है से एक चीज़ पर मतलब रणनीति और योजना बनाना होता है कि किस चीज़ पर है, क्या कुछ है, ठीक है। लघु व्यवसाय की समस्याएं, कुछ कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं समस्याएं, अगर इन समस्याओं के बारे में कुछ कुछ लिखा जाए तो मेरा वीडियो जो है सोशन 2 घंटे तक, मतलब 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखें, इस पर आपको कुछ कुछ लिख देना है। वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या, विपणन की समस्या, सरकारी एजेंसियों से निपटना, निर्यात की कठिनाइयाँ, अकुशल श्रम, कच्चे माल की आपूर्ति की दोषपूर्ण व्यवस्था, ऋण सुविधा का अभाव, मशीनरी की कमी और उपकरण, बोगस छोटी फार्मों की भारी संख्या। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका, ये कुछ कुछ है। यहाँ भी है, अनुपयुक्त स्थान, बड़े पैमाने की इकाइयों से प्रतिस्पर्धा, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, संगठित विपणन सुविधा का अभाव, खराब वसूली, कमजोर संगठन और प्रबंधन, अप्रशिक्षित कर्मियों की कमी जो होता है, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भी होता है, ठीक है। छोटे व्यवसाय में बाहरी और आंतरिक समस्याएं होती हैं, शुरुआती परेशानी तो होता ही है। तो ये सारा के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना है, जैसे वित्त की समस्या हो गई, आपका पैसा वगैरह का समस्या, कच्चे माल की समस्या हो गया, ठीक है, कच्चा माल, विपणन मतलब कि बेचने की समस्या, सरकारी एजेंसियों से निपटने में प्रॉब्लम होता है, निर्यात की कठिनाइयाँ, अकुशल श्रम होता है, कोई कुशल नहीं होता, नया नया दुकान कैसे कोई कुशल हो सकता है या व्यवसाय है, ठीक है। कच्चे माल की आपूर्ति की दोषपूर्ण व्यवस्था होती है, ऋण सुविधा का अभाव, होता है, कोई ऋण देने वाला नहीं, ठीक है। मशीनरी की कमी और उपकरण का प्रॉब्लम रहता है, बोगस छोटी फार्मों की भारी संख्या होती है, ठीक है, छोटे छोटे संख्या होती है, अनुपयुक्त स्थान होता है, स्थान भी बढ़िया नहीं हो पाता, बड़े पैमाने की इकाइयों में प्रतिस्पर्धा होती है, अप्रचलित प्रौद्योगिकी चाहिए होती है, ठीक है। संगठित विपणन, संगठित मतलब प्रचलित प्रौद्योगिकी चाहिए होती है, इसमें अप्रचलित प्रौद्योगिकी रहती है, ठीक है। संगठित विपणन सुविधा का अभाव रहता है, खराब वसूली रहती है, खराब कमजोर संगठन और प्रबंधन रहता है, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी रहती है, बाहरी और आंतरिक समस्याएं होती हैं, और शायद शुरुआती परेशानी तो होना ही है, ठीक है। विपणन मिश्रण का परिचय, विपणन मिश्रण यानी विपणन मतलब कुछ चीज़ को बाजार में ले जाकर बेचना वगैरह, ठीक है। तो इससे संबंधित है, तो इसमें देखते हैं इसके बारे में, स्टेंटन, एटलेज, हेटजेल तथा वाकर के अनुसार विपणन मिश्रण 4 घटकों, उत्पाद, मूल्य संरचना, वितरण व्यवस्था तथा संवर्धनात्मक क्रियाओं का संयोजन है, जिनका कभी किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकता को संतुष्ट करने तथा साथ ही विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो है बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जितनी भी चीज़ होती है, जैसे उत्पाद, हो गया आपका, मूल्य संरचना हो गया, मतलब कि उत्पाद बढ़िया होना चाहिए, फिर मूल्य संरचना यानी पैसा जो लेंगे वो बढ़िया होना चाहिए, वितरण व्यवस्था भी बढ़िया होना चाहिए, सारे जगह जाए, संवर्धनात्मक क्रियाओं का संयोजन होना चाहिए, ठीक है, सारे काम बढ़िया से किए जाए, तो ये आपका विपणन मिश्रण, तब तो आपका चीज़ जो है सो जो माल रहेगा सो जाकर बिकेगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें और फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और भी आगे का जितना भी यूनिट 4 हो गया, फिर 6 हो गया, ये सारा आएगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, और फिर लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, ठीक, ताकि उनका भी लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स CBSE PG के सारे सेमेस्टर्स के बारे में यहाँ गाइड किया जाता है फ्रेंड्स, और फिर सारे मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। Yeah.